जिला महिला चिकित्सालय में दो सदस्यीय NQAS टीम डॉक्टर शुभा स्वरूप और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी करने के लिए पहुंचे थे। NQAS का स्टेटमेंट करने महिला चिकित्सालय में चल रहे विभिन्न डिपार्टमेंटों का निरीक्षण करने के बाद गुरुवार को जांच रिपोर्ट तैयार कर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। NQAS टीम के सदस्य डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार हम लोग जिला महिला चिकित्सालय में जाँच कर रहे थे। इस दौरान जो भी कमियाँ नजर आई उसकी रिपोर्ट बनाकर SIC को दर्ज दिया गया है और SIC ने कहा कि एक दो महीने में उन कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए NQAS टीम के सदस्य डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने कहा, दो लोग, मैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी डॉक्टर शुभा स्वरूप के साथ परसों से हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इनक्वास का स्टेट लेवल असेसमेंट है, ये स्टेट लेवल असेसमेंट में जब ये लोग 70% के ऊपर होंगे तो फिर नेशनल लेवल की टीम आएगी और इनक्वास सर्टिफाइड होगी। इनक्वास सर्टिफाइड होने के बाद से इनको 10,000 रुपये पर बेड के हिसाब से प्राइस मिलेगा। लेकिन अभी जो है स्टेट लेवल पर हम लोगों ने जो कमियाँ देखी हैं सर को, हमने SIC साहब को पूरी कमियों को नोट करके दे दिया है। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम एक डेढ़ दो महीने में इसको पूरा कर देंगे और बाकी हम लोग इस कमियों को बनाकर और स्टेट पे भेज देंगे। हाँ, बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो विभाग अलग अलग चल रहे हैं, MCH विंग में अलग चल रहे हैं, उस विंग में अलग चल रहे हैं, तो इसको मर्ज करके पैथोलॉजी एक जगह, रेडियोलॉजी एक जगह, OPD मतलब इस तरीके से करके उसको कंबाइंड चलावें, एक जगह चलावें। दो दो जगह चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेन चीज़ तो यही है।